वेलकम टू जीडीसी ई ट्यूटर। आज मैं आपको बात करने वाला हूं कुछ फेमस पर्सनालिटीज जो हमारे मेडिकल और फार्मा फील्ड में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और वो उन्होंने क्या क्या अपनी लाइफ में हासिल किया। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं कि बीइंग फार्मासिस्ट आप और क्या कर सकते हैं, आप अपने वैल्यू को पहचाने और अपने आप को और एक्सप्लोर करें, क्योंकि स्काई का कोई लिमिट नहीं होता। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पर्सनैलिटी है वो है अपना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सबको पता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उन्होंने डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन किया था। ये क्या है? एक एंटीबायोटिक है। तो उनके दिमाग में ये कैसे आया कि उन्हें एक एंटीबायोटिक बनाना चाहिए? तो क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर वन फर्स्ट में क्या हो रहा था कि बहुत से सोल्जर्स घायल हो रहे थे, तो वो ऐसा एक एंटीबायोटिक बनाना चाह रहे थे, मतलब एक ऐसा चीज जो कीटाणु को खत्म कर रहा था, क्योंकि जंग लगे तलवार से लोगों की डेथ हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, लोगों को इन्फेक्शन हो जा रहा था। तो अब वो सोच रहे थे यार कुछ तो हमें करना है कि जिसके वजह से ये इस जो लोगों को जल्दी क्योर किया जा सके और आर्मी को बचाया जा सके। अगर आर्मी ऐसा खत्म होने लगी तो फिर जंग कौन लड़ेगा? तो फिर इन्होंने एक्सीडेंटली क्या बना लिया, पेनिसिलिन बना लिया। अब ये सोचिए, इन्होंने एक्सीडेंटली बना लिया। और इन्होंने इस बारे में कब रिपोर्ट किया, 28 नवंबर 1928 में, कि यार मैंने बनाया कुछ और था कि बन कुछ और गया, लेकिन वही कुछ और बनना हमारे लिए क्या है, एक बून एंड वरदान साबित हुआ। तो क्या एक चीज फार्मा, और ऐसा नहीं कि ये एक्सीडेंटली कुछ भी बनाते थे, एक मेडिकल रिसर्चर थे, यहाँ पर मेंशन है मेडिकल और केमिकल रिसर्च करते थे, ये काफी परफेक्ट से सारी चीजों में। और आपने देखा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम खाली बुक्स पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, बस यही हमारी लाइफ हो गई है। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे पास मेडिसिन का नॉलेज होता है, टैबलेट कैप्सूल कैसे बनता है उसका नॉलेज होता है, उसके स्ट्रक्चर्स का नॉलेज होता है, उसका मोड ऑफ एक्शन का नॉलेज होता है और लेबोरेटरी टेक्निक्स का नॉलेज होता है। तो यानी फार्मासिस्ट क्या है, ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है। तो इसीलिए अपने पावर को समझिए और भी अपने फील्ड में अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, और मेडिकल रिसर्च में अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, इन्वेंशन में एक्सप्लोर कीजिए। अब आगे देखते हैं, जैसे बूट, ये क्या है, फाउंडर ऑफ बूट फार्मेसी। अब बूट फार्मेसी क्या है, ये बूट फार्मेसी इन्होंने खोला था, जैसी ने, उनके फादर ने, एक्चुअली उनके फादर ने खोला था, लेकिन क्या होता है ना, पापा बिजनेस खोलते हैं, फिर बेटा क्या करता है, उस बिजनेस को बढ़ा देता है और अपना नाम देता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था, फादर ने छोटा सा बिजनेस खोला था, इन्होंने उसको ब्रॉडवे में मार्केटिंग कर दिया। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। ये जो जेसिस फादर, इनके जो फादर थे जॉन ने, इनके फादर का नाम था जॉन, जिन्होंने ये खोला था, ठीक है, क्या खोला था, बूट्स फार्मेसी इन्होंने खोला था। लेकिन क्या है, जो जेसी जो थे, इन्होंने क्या किया, उसको बड़े पैमाने में कर दिया, उसको और एक्सप्लोर कर दिया। तो देखिए क्या हुआ, मैं आपको एक चीज में बता रहा हूं, सबसे बड़ी बात इसमें आप लोगों को कॉस्मेटिक से लेकर हर एक मेडिसिनल चीजें इन्होंने सेल करना चालू किया, वो भी बहुत कम प्राइस में, जो लोगों के, अब कहाँ के लोगों में, जो भी नॉटिंगम स्टोर जो थे वहाँ पर, तो सारे जो स्टोर्स में उन लोग ने एक स्टोर बना दिया, वहाँ सेल करना चालू कर दिया। जब सेल कर रहे हैं तो जब सस्ते में मिल रहा था तो मिलने लगा और एक बड़ा सा ये एक प्रकार का एक मार्केट बन गया। तो इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन की तरह भी आप काम कर सकते हैं। अब आते हैं ह्यूबर्ट हेम्फ्री की तरफ। अब ह्यूबर्ट हेम्फ्री कौन थे, सभी इनके बारे में जानते होंगे लगभग, अगर आप जीके वगैरह पढ़ते होंगे तो। एक अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट थे, बीइंग अ फार्मासिस्ट, इन्होंने फार्मासिस्ट फार्मेसी फील्ड में भी रहते हुए ये एक प्रेसिडेंट भी बने थे, वाइस प्रेसिडेंट। कहाँ के बने थे ये वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिका के। तो इनका एक कहना था, स्काई इज योर लिमिट, एक आसमान ही है जो आपका लिमिट है, और आसमान क्या है, उसका कोई नहीं है, एंड ही नहीं है। तो यानी अपने आप को एंडलेस लिमिट का बना दो, लिमिटलेस बना दो, क्योंकि इंसान अपनी लिमिट खुद तय करता है। अगर इंसान ने सोच लिया मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ तो इतना ही करेगा, अगर इंसान ने सोच लिया कि मेरे पास तो अथाह ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, और अथाह ब्रह्मांड का क्या बोलते हैं, पूरे यूनिवर्स की मेरे पास क्षमताएं हैं, तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो इन्हीं सारी पर्सनालिटी को बताने का मेरा यही मोटिव था कि बीइंग अ फार्मासिस्ट इन्होंने बहुत कुछ किया, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं और हम कर ही रहे हैं। तो आपके लिए इसी तरह के और वीडियोज लेकर आएंगे। थैंक यू।